भाई आपकी फरमाइश थी कि मैं चंद्र रोज सुना, उसके लिए है ये शेर। उसी वक्त लुत्फ ज़्यादा आता जब कोई चंद लोग और हों और वो भी सुना रहे, हम भी सुनाएं, और एक महफिल और एक माहौल, एक महफिल ऐसी हो कि जिसमें माहौल एक बन जाए। वो अब माहौल पैदा नहीं हो पाता, मगर बहरहाल चूँकि आपने फरमाया, लिहाजा तो एक दो शेर याद आए वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक तो शेर मुसहफ़ी का है। ये शेर मैंने उस वक्त एक आखिरी बार जो पढ़ा था मजमे में, यूँ तो मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ, मगर मजमे में मैंने एक ये शेर पढ़ा था। मजमा था यूँ कि 50-60 आदमी थे, और ये लोग बाबरी मस्जिद के सिलसिले में दिल्ली में जमा हुए थे, और इनमें मुख्तलिफ़ धर्म गुरु जो कहलाते हैं, ये नया लफ्ज़ सीखा मैंने, ज़िंदगी भर आदमी सीखता जाता है अल्फाज, ये मेरे अवाल उम्र में ये लफ्ज़ नहीं ज़्यादा सुना जाता था, मगर अब आवाखिर उम्र में ये सुन रहा हूँ कि धर्म गुरु। तो धर्म गुरु फ़कत हिंदुओं, हिंदू मत के या सनातन धर्म के नहीं, बल्कि मुसलमानों के भी थे, यानी उलमा वगैरह। और मामला था बाबरी मस्जिद का। तो मैंने कहा आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, ना मुझे कुछ समझ में आता है कि मैं क्या कहूँ या क्या ना कहूँ। वो जो बातें हैं कहने वाली वो इतनी वाज़ह हैं कि उनका कहना महसूस ही होता है कि आदमी आफ्ताब को चराग दिखा रहा। बहरहाल उनके इसरार तो मैंने एक चंद जुमले कहे, मगर वो तो अलग बात है। मैंने जिस बात से अपनी, जिस शेर से, जिस बात से, यानी अपनी जिस जो मेरा पहला जुमला था वो शेर था उस बयान में, या तकरीर कहिए उस, और वो मुसहफ़ी का शेर था। और वो चूँकि मैं जानता हूँ कि हालात दुनिया के और लोगों के क्या थे, उसमें बाबरी मस्जिद में कितने जज्बात थे जो तरफ़ैन के थे, मैंने मुसहफ़ी का ये शेर पढ़ा कि मुसहफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रुफू का निकला। वहाँ पर मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत से लोग मुतासिर हुए और समझे। मैंने कोशिश नहीं की कि ये समझना चाहूँ, करने की, समझने की कि क्या समझे। और उठ के कई लोग बाद में आए मेरे पास, कहा कि खैर वो उनकी ज़रा नवाजी थी, बहुत पसंद आए। तो और ऐसी सूरत से ये वाकयात पर याद आते हैं। अभी हाल में जहरा आपा, जहरा निगाह आपा जो बहुत ही मारूफ मशहूर, बड़ी बहुत ही अच्छी शायर हैं, खुद नसर भी बहुत ही उमदा लिखती हैं, फैज़ अहमद फैज़ और ये पूरा गरोह जो था, ये उनको उनके खुद बहुत उनकी उनको दाद देते थे उनके शेर की। और मैंने जो एक शेर अभी पढ़ा था आपको सुनाया था, वो उन्हीं के शौहर ने सुनाया था मुझे, माजिद अली साहब ने। तो जहरा निगाह साहब के बेटे यहाँ दिल्ली में हैं, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा, वो भी बहुत ज़ौक़ सलीम रखते हैं, कहने लगे कि आप सुलेमान भाई ये बताइए आपका क्या हाल है। और हालात तो कुछ अजब हैं। तो मैंने कहा मियाँ हालात ये हैं कि रब्त यक शिराज़े वहशत हैं, अज्ज़ाए बहार सब्ज़ा बेगाना सबा आवारा गुल ना आशना। इसी पर आरज़ू का एक शेर अभी मुझे याद आया फौरन, और उसको भी मैं ये ज़ाहिर है ये गालिब थे। अब आरज़ू कहते हैं कि गुंचे चुप हैं गुल हैं हवा पर, किससे कहिए दिल की बात, खाक नशीन एक सब्ज़ा है सो अपना भी बेगाना भी। ये महसूस ऐसा होता है, अब ज़ाहिर है कि मैं कभी भी अफसुर्दगी की तरफ, यानी एक फ़लसफे के तौर से, एक नज़रिया हयात के तौर से मैं कायल नहीं हूँ जाने का,
क्योंकि मैं समझता हूँ अफसरदगी जो है वो हर अच्छी चीज़ से इंसान को, यानी अफसरदगी जो बिल्कुल मुकम्मल हो, अफसरदगी तो होती है हम सब पर, तो मगर फिर वक्त ये हाल है, इंशाल्लाह ये बदलेगा किसी वक्त और जो कुछ भी होगा। अब ये है कि एक हालात के सिलसिले में एक शहर मैं मुझे और याद आया कि देखिए जो इस वक्त अहले सर्वत हों या अहले दौलत, यहाँ दौलत बमाना इख्तदार के फारसी, और या अहले इख्तदार मुक्तदर हस्तियाँ, आप उन्हें देखें तो मेरे दिल में ये शेर फौरन ये जी चाहता है पढ़ने को कि पहुँचे वो लोग रुतबे को कि मुझे पहुँचे वो लोग रुतबे को कि मुझे शिकवे बख्ते नारसा नारा। अब आप नतीजा इससे निकाल लें, बहुत ही एक मामूली सा शेर है मगर है बहुत ही उमदा, ये तो न कह सके कि ज़माना बुरा मिला, अफसोस ये कि ऐसे ज़माने को हम मिले। अब देखिए कोई इंतहा नहीं होती है, आदमी पढ़ता है और अब आजकल दीवानगी के असल में मदारिज मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। दीवाना हमेशा जो है वो जो हमारे जहन में एक तसव्वुर है उसकी मुनासिबत से नहीं होता है। दीवानगी एक ऐसी सूरत है जो यानी दीवानगी मारफत या किसी और चीज़ या किसी चीज़ में जज्ब हो जाने का नतीजा हो, किसी अच्छी चीज़ में, कि वो भी दीवानगी कहलाती है, मगर उसका जो जिस पैराए में जिस शक्ल में वो ज़ाहिर होती वो मुख्तलिफ है। तो उसमें मानी साहब जायसी का एक शेर है, मैं पढ़ता चलूँ आगे दूसरा पढ़ूँगा कि वो, बल्कि पहला शेर जो है वो कुछ हद तक के दूसरे शेर को समझने में भी मदद करेगा, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब अलग अलग होते हैं, अलग पढ़िए तो उसका मज़ा नहीं है। तो मानी साहब जायसी, कल्ब अहमद साहब मानी जायसी साहब, खुदा रहमत करें उन पर, उनका शेर है कि माले गम है गम, उम्मीद तासीर फुहां कैसी, माले गम है गम उम्मीद तासीर फुहां कैसी, जुनू साज़े जुनू है पैरहन की धज्जियां कैसी। तो अब आप दूसरा शेर सुनिए जो बहुत लंबी बात हुई जा रही मगर उसको मैं मुख्तसर करूँगा, कि चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ आ जाते। अब बहुत से अशआर हैं भाई, इंशाल्लाह कभी बैठेंगे आपके साथ पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसका जिक्र करेंगे और सब ये सब होगा। तो इसमें ये एक शेर मुझे एक और याद आया जो इस वक्त बहुत नाज है जिन्हें अपने इख्तदार पर, वो या सर्वत पर या जाहो हशम पर, जिस चीज़ को कही दौलत पर, कामयाबी पर, सब उसके सिलसिले में एक शेर ऐसा कहा है। यूँ तो लोग नसर में याद दिलाते हैं कि कोई चीज़ रहती नहीं हो, सब चीज़ फना होने वाली, मगर किस उम्दा तरीक़े से कहा है, क्या इस शेर की तारीफ़ की जाए। मीर तकी मीर अल्लाह मकामों का शेर है ये, कि रखे ताज ज़र को सर पर चमने ज़माना में गुल, रखे ताज ज़र को सर पर
चमन जमाना में गुल न शगुफ्ता हो तू इतना कि खजां है ये बहार। और इसी का एक शेर और है, वो भी बहुत ही बहुत उमदा, क्या कहना उसका। और वो हाफिज ने एक बात कही कि हर शख्स अपने सतह और अपने मेयार, अपने माहौल मुहीत और माहौल और अपने जो भी हालात होते हैं उनके मुताबिक सोचता है, और लोग उसका दूसरा मिसरा पढ़ते हैं हाफिज़ शिराज़ी का। और वो जो मिसरा वो पढ़ते हैं वो है फिक्र हरकस बकदर हिम्मत उस्त। तो शेर यूं है कि तो वो तूबा व मौ व कामत यार, फिक्र हरकस बकदर हिम्मत उस्त। मैं इसकी तशरीह ही करूँगा तो अपने अपने हिसाब से पढ़ दें, मगर ये शेर जो है ये मेरे लिए बड़ी ख़ास एक मानवीयत रखता है, और इसके बहुत और भी होंगे मानव। और ये शेर मुझे जब भी पढ़ता हूँ मुझे करबला की सरजमीन याद आती है। वो गज़ल का शेर है। शेर क्या है? शेर ये है कि कहीं खाके कू को उसकी तू सबा न दी जो जुम्बिश, कहीं खाके कू को उसकी तू सबा न दी जो जुम्बिश के भरे हैं उस जमीन में जिगरे जिगर फिगर। और इसी करबला के वाक़े के बाद जो हालात जो मसाइब गुजरे अहले बैत पर, वो ख़ुसूसन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सैयद सज्जाद इमाम चाहूँ सलामुल्लाहु सल्लतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर वो इसी गज़ल का एक और शेर कि हुई ईद सबने पहने तरब वो खुशी के जामे, न हुआ कि हम भी बदले ये लिबास सोगवारा। तो इस तरह से मीर साहब के अशार का भी कोई यानी क्या कहाँ तक पढ़े जाए, एक दूसरा शेर मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसको मैं हाँ क्या शेर का है, सुभान अल्लाह। इंसान के जो कल्ब की कैफियत है, यानी ज़ाहिर कल्ब के माने यहाँ सिर्फ वो चीज़ नहीं जिसको आम तौर से दिल समझा जाता है, बल्कि जो वजूद का मरकज होता है और जो असल वजूद का गोया मंबा, वहाँ से वो निकलता है वजूद के ज़ाहिर होता है उसकी शक्ल सूरत और आज़ा और जवारे में, वो कल्ब कहलाता है। तो फरमाते हैं कि और वो दिल भी कहलाता है फारसी में, अरबी में वो कहते हैं कि दिल में रह दिल में कि मेमार कज़ा से अब तक ऐसा मतबू मकाम और बनाया न गए। अब क्या मैं अर्ज करूँ उससे इसके बारे में, एक यही है कि वो बहुत ही मशहूर है शेर इकबाल का, और वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि सोज़ो गुदाज से भरा हुआ दिल जो है, जितनी मारफत इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों की, और ज़ाहिर है कि जो दूसरा आलम है उसके बारे में भी मारफत और अल्लाह के सुभान व तआला के ज़ाहिर के उसकी ज़ात की कहाँ मारफत हो सकती, मगर उस रास्ते पर वो मदद करता है ये कि अब उम्र मेरी चूँकि आ रही, लिहाजा बीच बात करने में बीच में जो असल बात है वो रह जाती है और बाकी बातें आगे आने लगती। तो मैंने ये सब बयान करके उस शेर ही गुम कर दिया, मगर वो आ जाएगा अभी। मैं एक सेकंड आपसे
ज़रा सा गौर कर लूँ तो शायद मुझे याद आ जाए वो ये बहनी मैंने पहाड़ दिल में रह दिल में कि मैं हमारे कज़ा से अब तक ऐसा मतबू मकान और बनाया न गया। तो शायद मीसावी का शेर है मगर इस तरह से अभी याद आया था वो बातों बातों में वो जहन से निकल गया। इंशाल्लाह याद आएगा मैं फिर बताऊंगा आपको। जी मैं आखिरी शेर इस सिलसिले में एक आपको सुनाना चाहता था कि मौत अभी हाल में मौत हुई हमारे कल्ब सादिक साहब मौलाना कल्ब सादिक साहब अल्लाह मकामों की नवर अल्लाह मरकदो और कितनी मौतें और हो रही हैं। मौत एक मौंदगी का वक्फा है यानी आगे चलेंगे दम लेकर। बिस्मिल्लाह। देखिए शेर है ये माजिद अली साहब ने मुझे सुनाया था तकरीबन इसको हो गए हैं 30 साल पहले मुझे ये शेर उन्होंने सुनाया था और जिस तरह से उनके दिल पर उस वक्त इस शेर ने असर किया होगा जबकि वो ऐसा ज़माना था मैं बहुत से लोगों को जानता था बहुत से लोगों को पहचानता था। रफ्ता रफ्ता ये शेर मुझे साल ब साल जैसे गुजरते गए और भी ज़्यादा समझ में आने लगा ये और आज ये आलम है कि पढ़ता हूँ तो शायद मेरी भी कैफियत वही होती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरा दिल भर आता है इसको पढ़ के शेर क्योंकि इसमें बड़ी कैफियत है। ज़बान इसकी शायद वो उस मेयार की न हो जो यहाँ पर एक ज़माने में थी मगर बहरहाल शेर बहुत अच्छा है और जिस तरह से लिखा है वो बड़ा पुरअसर है। जाने क्या हो गए वो लोग जो रास्ता चलते मेरे आदाब पर कहते थे कि जीते रहे। मैंने ये आपके कहने से जनाबे भाई नवाब हुसैन अफसर साहब खुदा आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए खुदा आपको तूले उम्र दे और आपके खानवादे को हमेशा खुश और खुर्रम रखे।